Good morning to you all. Today's morning Hukum nama from Shri Darbar Sahib Amritsar is by Shri Guru Ram Das Ji in Raag Tanasri, Ang 690 of Shri Guru Granth Sahib Ji. Let's read it understand so that we can implement in our day-to-day -day life. Sat Naam Shri Vaigru Sahib Ji Tanasri Chant Mahalla Chautha Kar Pehla. kar Sat Guru Prasad One Universal Creator God by the grace of the True Guru हर जियो कृपा करे त नाम ते त्याये जियो वेन द डियर लॉर्ड ग्रांट्स हिज ग्रेस वन मेडिटेट्स ऑन द नाम द नेम ऑफ द लॉर्ड सतगुरु मिले सुबाए सहज गुण गाइए जियो मीटिंग द ट्रू गुरु थ्रू लविंग फेथ एंड डिवोशन वन इंट्यूटिवली सिंग्स द ग्लोरियस प्रेजेस ऑफ द लॉर्ड गुण गाए विकसे सदा अनदिन जा आप साचे पावे Singing His glorious praises continually, night and day, one blossoms forth when it is pleasing to the true Lord. Ahankar haumetaje maya sej naam samavay. Egotism, self conceit, and maya are forsaken and He is intuitively absorbed into the naam. Now let's relate this with our day to day life so that we can implement it today. What are the negative emotions we all experience? anger frustration laziness greed ego क्या ये इमोशंस हम सब में होती हैं हाँ ये इमोशंस हम सब में होती हैं किसी में कम किसी में ज़्यादा एज पर द बिलीव्स एंड कंडीशनिंग्स ऑफ अर माइंड फिर इन इमोशंस का इम्पैक्ट हम पे क्या होता है इट इम्पैक्ट्स और हेल्थ इट इम्पैक्ट्स और वर्क इट इम्पैक्ट्स और वेरियस एरियाज ऑफ आर लाइफ विच आर इम्पॉर्टेंट टू अस फिर इसके बाद जब हमारी वेलबींग well इम्पैक्ट होती है हमारी वेलबींग well के इम्पैक्ट होने पर इसका इम्पैक्ट किन लोगों पे होता है जो हमारे आसपास होते हैं कहते तो हैं कि वो हमारे नियर्स एंड डियर्स, हमारे लव्ड वंस हैं पर सबसे ज़्यादा हम परेशान उन्हीं को ही करते हैं जब हमारी वेलबींग well खराब होगी इम्पैक्टेड होगी तो हमारा असर उन उनपे होगा ही होगा बिकॉज जो हमारी पॉकेट में होगा हम दूसरों को वही देंगे अगर हमारी पॉकेट में हैप्पीनेस है ही नहीं है तो हम दूसरों को हैप्पीनेस क्या देंगे सो और लव्ड वंस आर इम्पैक्टेड अब इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये है हाउ टू गेट रिड ऑफ दिस नेगेटिव इमोशंस गुरु बाई द ग्रेस ऑफ गुरु कोच अगर हमसे खुद से नहीं हो पा रहा वी आर नॉट एबल टू वर्क ऑन आवर सेल्स इट इज़ ऑलवेज इम्पॉर्टेंट टू सीक द सपोर्ट ऑफ गुरु गुरु जो डार्कनेस को डिस्पेल करता है जो हमें क्लैरिटी दिखाते हैं बिकॉज सबसे बड़ी जो नेगेटिव इमोशन है दैट इज़ ई ईगो एंड फ्रॉम वेयर डज ईगो कम ईगो कम्स फ्राम राइटियसनेस सो गुरु कैन शो वज द क्लैरिटी गुरु कैन सपोर्ट इन गेटिंग रिड ऑफ ऑल दीज नेगेटिव इमोशंस तो आज एक असाइनमेंट करते हैं आज देखिए है कौन कौन सी नेगेटिव इमोशंस हैं जो आपकी लाइफ पे बहुत बुरी तरह इम्पैक्ट कर रही हैं ऐसा नहीं है कि एक बार ये इमोशंस हट जाएंगे तो फिर आएंगे नहीं दिस विल कंटिन्यूली कम बट अगेन अगेन सब सीख द सपोर्ट ऑफ गुरु अगेन सीख द सपोर्ट ऑफ गुरु अगेन वर्क ऑन योर सेल्फ अगेन लुक फॉर्व टू अप्पी लाइफ सो आज आप पूरा दिन अपनी इमोशन्स को नोट कीजिए कौन कौन से इमोशन्स हैं जो आपकी लाइफ पर इम्पैक्ट कर रही हैं Seek the support, seek the support of your coach, seek the support of your parents, your teachers. There are so many people who can support you, but it is very important to express yourself. So, do this, share your experiences with me. Take care, have a great day.